शास्त्रीय व्याख्या म्यूजिक थ्योरी। आज इस पार्ट में हम तानपुरे को कैसे मिलाया जाता है और इसके कौन कौन से बारीकियों पर ध्यान दिया जाता है, इन पर आज हम चर्चा करेंगे और तानपुरे को प्रैक्टिकली मिला कर देखेंगे। तो ये आज का एजेंडा है इस वीडियो का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे तानपुरे की शुरुआत यहाँ ऊपर से होती है। पिछले वीडियो में हमने आपको खूंटी, इनका इंट्रोडक्शन दिया था। ये चार खूंटियाँ हैं। फिर उसके बाद एक था तार गहन। तार गहन में देखिए, तार इसके अंदर से जाता है और अटी के ऊपर से जाता है। ये तार ऊपर से जा रहा है। यह वो पार्ट है जहाँ पर दांड और तुम्बा आपस में जुड़ते हैं। जॉइन करते समय यहाँ पर एक डिज़ाइन बना दी गई है और इसी को गुल्लू कहते हैं। अब हम तानपुरा मिलाने का प्रयास करेंगे। यहाँ आप देखें, ये पहला तार कहलाता है जो हमारी तरफ से सबसे बाहर है। ये मीडियम मोटाई का होता है। ये सबसे मोटा तार होता है जो कि खरज का या सा का तार कहलाता है। इसके बाद ये दो जोड़ी के तार कहलाते हैं। जब हम थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें हमें ये सारे विवरण लिखना होता है। ये पहला तार, जोड़ी का तार और खरज का तार, इस प्रकार से आपको चारों तार यहाँ पर मिलेंगे। ये पहला तार, इसको अभी जो श्रुति बज रही है उसके हिसाब से हम पंचम पर मिलाएंगे। बाकी राग के अनुसार ये पहला तार निषाद या मध्यम पर भी मिलाया जाता है। कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर धैवत या गंधार पे भी मिला लिया जाता है। अभी हम इसको पंचम में मिलाएंगे। इसकी जो खूंटी है यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो ये खूंटी, ये बहुत ही बेसुरा है। लगभग मध्यम के आसपास है, तो मैं इसको थोड़ा कसूंगा। लगभग मिल गया है जोड़ी के तार। देखें, जब हम तार मिलाते हैं तो यहां से सारे मोतियों को आप लूज कर लेंगे। खरज ये भी नीचे है। लगभग मैच हो गया है। फाइन ट्यूनिंग के लिए अब हम यहां से ट्यूनिंग करेंगे। फाइन ट्यूनिंग, परंपरागत रूप से जोड़ी के तार को पहले मिलाया जाता है। सुर में अंतर सुनिए। Thank you.
था। अब ध्यान से सुनिए आवाज किस प्रकार से आ रही तानपुरे की। तो मिलाने के लिए जो श्रुति थी वो अब हमने बंद कर दी है और अब आप देखें यहां अब सूत का काम शुरू होगा। ध्यान से सुनिएगा क्या हो रहा है। हम इसे सूत कहते हैं। पहले ये सिल्क का हुआ करता था, फिर कुछ गुणी जनों का कहना है कि ये चार नंबर का धागा इस्तेमाल करना है, पर हम घर में जो भी धागा है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये बारीक धागा होना चाहिए। देखिए धीरे धीरे हम इसमें फाइन ट्यूनिंग करेंगे, ट्यूनिंग नहीं, अब केवल इसको जवारी या जो सूत है इसको मैं सेट करूँगा। तो ये जो ब्रिज है इसके ऊपर आप सुनिएगा आवाज में किस प्रकार से अंतर महसूस होगा। यह अंतर आपने शायद समझ लिया हो। अभी अगर आपने ध्यान से इसे ऑब्जर्व किया हो तो क्या चेंज आया, जो मधुरता या जिसको गूंज कहते हैं वो गूंज आपको यहाँ पर समझ में आई होगी कि सूत को ट्यून करते या सूत ट्यूनिंग नहीं एक्चुअली सूत को सेट करते हैं, तो ये सेट करते ही आपको आवाज़ में एक अलग मधुरता सुनाई देती है, गूंज आ जाती है। देखिए तानपुरा अगर सही मिला है तो होगा ये कि अगर आप जिस तार को बजाते हैं उसको रोक दीजिए, दूसरे तार वाइब्रेट करते हुए आपको सुनाई देंगे। अब कैमरा कितना कैच करता है ये उस पर है। अब जो बजाने की स्टाइल है उसे देखिए। ये जो आपकी उंगली है दो उंगलियों का प्रयोग होगा, हाथ ऐसा रखना है, ऐसा नहीं ऐसा, और उसके बाद ये जो आखिरी का कोना है ये वाला कोना, यहां से आपको हल्का सा स्ट्राइक करना है इस कोने से और हल्का सा दबाना है, ऐसे छेड़ना है, इसे कहते हैं तार छेड़ना ये, और उसके बाद तीनों तार पहली उंगली से। सपोर्ट के लिए आप अंगूठा यहां रख सकते हैं और ये हाथ जो आपके कोहनी है वो कोहनी आपकी इस तबली पर आ जाती है
कुछ इस प्रकार से कि आपने तबली के ऊपर अपना हाथ रख दिया रेस्ट पे, और ये फिलहाल तानपुरा लेटाया गया है। ये भी एक रियाज का तरीका है। रियाज करते समय आप ऐसा भी रख सकते हैं, तानपुरा एक तरफ से फ्लैट रख के आप रियाज ऐसा भी कर सकते हैं इस बैठक में, या जेंट्स की बैठक जो होती है उसमें आप तंबुरे को अपनी गोद में यहाँ रखते हैं। तंबुरे को पैर नहीं लगना चाहिए, ये शास्त्रोक्त है, ये संस्कार है। तो पैर ऐसे ऊपर करके आप पैर से टच ना करें, यहाँ आप प्रॉपर एक बैठक बनाइए और तुम्बे को आप धीरे से जेंटली इसके ऊपर रख दें। उसके बाद अब मैं फिलहाल पॉज कर रहा हूँ और आपको हाथ रखने की स्टाइल बताऊंगा। ओके, तो ये जो कोहनी को हमने यहाँ रेस्ट किया था और तार छेड़ रहे थे, तो ये हमारा जो मैंने आपको स्टाइल बताई थी, अब दूसरी स्टाइल जो है उसमें होगा ये कि इसे हमने गोद में रख दिया और ये जैसा मैंने अभी आपको बताया हमने इसको गोद पे रख लिया है। अब ये जो हमारी कोहनी है वो इस तरह रेस्ट पर रहेगी तुम्बे के ऊपर। तो ये आ गई हमारी कोहनी। ये हाथ जो है आपके वो आपने इसके ऊपर यहाँ अंगूठा रेस्ट कर दिया और ये बिल्कुल देखिए स्ट्रेट। आपको ऐसा नहीं करना है, ये धनुष बाण नहीं चलाने, आपको ये करना है एक, उसके बाद तीनों उंगलियां तीनों तार जो है वो आपकी फर्स्ट फिंगर से, तो ये परफॉर्मेंस की स्टाइल है। बाकी रियाज करते समय जब आपको और अच्छे से क्लियर सुनना है या इसकी बहुत बढ़िया गूंज आपको कान में भी सुनाई देती है तो जो जनरली हम रियाज के समय हम करते हैं तो थोड़ा सा कान यहाँ पर लगा लिया जाता है, ये साइड में आप कान लगा लीजिए। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।